सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको अब MCA ब्लाइंडली करनी बंद करनी होगी। तो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पुरानी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने MCA के बारे में बात करा है, मैंने MCA को कितना ग्लोरीफाई करा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत रियलिटी चेक देना चाहूँगा, और ये इसलिए कि विद टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो यार, विद टाइम आपके अंदर भी बहुत सारी चेंज आने चाहिए ताकि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब ले पाओ और कम से कम टाइम में, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी डिग्री। तो यार, आज की वीडियो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बैक स्टोरी के बारे में। तो यार, अब आप लोग ये सोचोगे कि यार ये क्या बोल रहा है, MCA ब्लाइंडली करो, इतनी मेहनत करके हम आए हैं, इतने सारे एग्जाम्स हमने दिए, इतने साल की प्रिपरेशन करी है, और ये तो वीडियो में बोलना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बैक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं, हम BSc BCA या कोई अदर डिग्री कर रहे होते हैं, और विद दैट या तो हम थर्ड ईयर में या तो हम ईयर ड्रॉप लेके हम MCA की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें क्या आता है, मैथ्स आती है, लॉजिकल आती है, बाकी सारा सिलेबस आपको पता है, और कुछ कुछ केसेस में तो कुछ साल का ड्रॉप भी हो जाता है, एक या दो साल। तो यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं किसी बढ़िया से बढ़िया MCA के कॉलेज में, और MCA के कॉलेज में जाने के बाद हमें पता लगता है कि हम पूरी अपनी डिग्री मेहनत से करते हैं, वहाँ पर DSA करते हैं, बहुत सारी जो भी चीज़ें जॉब प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है वो करते हैं, एंड एट द एंड हमें पता लगता है कि यार रिसेशन आ गया, और अब हमें जॉब लेने के लिए भी, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम जॉब ले लें, उसके लिए अब हमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो यार, अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमें क्यों MCA ब्लाइंडली करनी बंद करनी होगी, फॉलो मतलब जो एक होती है ना भेड़ चाल, उसे अब क्यों बंद करना होगा। अब यहाँ पर विद पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो अब जब हम कॉलेज में होते हैं MCA के, मतलब मान लो कि हम टॉप कॉलेजेस में हैं MCA के, कोई भी टॉप कॉलेज मान लो NIT कुरुक्षेत्र, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर अपने अच्छी से अच्छी CGPA लाते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्रैक करनी होगी, जो कि है CGPA। इसके अलावा फिर हम DSA के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा फिर हम 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि हमें यार जॉब में जाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन CS बैकग्राउंड के होते हैं, बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स के होते हैं, और जो CS वाले भी होते हैं वो भी स्किल सेट के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अब यहाँ पर ही मेन प्रॉब्लम है कि स्किल सेट कहाँ गई। क्या हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए, सच बताना कि क्या वो प्रोजेक्ट आपकी स्किल सेट के ऊपर मेन है, मतलब आप उस जो भी स्किल्स यूज़ करके आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, क्या आप कोई भी कह सकते हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप मतलब बता दोगे, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप उस स्किल में बना दोगे। अब हम बात करते हैं मेन रीज़न की, कि यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको MCA ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी बिल्कुल भी अब से, क्योंकि विद टाइम चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बहुत सारी कंपनीज ने अपनी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, जॉब्स कम है इस वक्त मार्केट के अंदर, और यहाँ पर मेन रीज़न है कि रिसेशन में फ्रेशर्स को कम प्रेफर किया जाता है और एक्सपीरियंस बंदे ज़्यादा करे जाते हैं हायर। रिसेशन आ गया, और ये इफेक्ट आपके MCA BTech कोई भी डिग्री के ऊपर मैटर नहीं करता, ये इफेक्ट सबके ऊपर आ रहा है। और यहाँ पर रिसेशन का मतलब ये है कि ज़्यादातर कंपनीज फ्रेशर प्रेफर नहीं करेगी, या वो अपनी हायरिंग रोक देगी, या फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेस राउंड्स लेगी आपकी हायरिंग के लिए। और क्या आपने इतनी मेहनत, मतलब पूरा जो इतने सालों तक मेहनत करी है वो इसलिए करिए कि आप यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो फिर एक अच्छी कंपनी पाने के लिए, या फिर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बहुत मुश्किल से चांस मिले। अरे रुको, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए, वीडियो आगे देखने से पहले। तो यार, 27 मई को फिजिक्स वालों को 3 साल हो चुके हैं, और इसकी खुशी में वो कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ऑफर्स पे, और ये चलने वाला है 27 मई से लेके सिर्फ 2 जून तक। तो यार, जो भी कैंडिडेट्स अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो ओपन सोर्स और टेक सेगमेंट के अंदर, उनको 70,000 से लेके 1 लाख तक खर्चने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर PW Skills की USP है, पहला बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज, दूसरा PW Skills Lab दैट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ हाई स्पेक हार्डवेयर एंड सेव्स द लर्निंग एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप, और यहाँ पर आपको कोर्स करने के बाद लाइव इंटर्नशिप्स मिलने वाली है, यहाँ पर लाइव आपको 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैरियर असिस्टेंस मिलने वाली है बाय टॉप मेंटर्स वर्किंग एट फेसबुक, गूगल एटसेट्रा। इसके अलावा ये कोर्स खत्म करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलता है, जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जो भी स्किल्स आपने सीखी है। तो यहाँ पर जो अपकमिंग कोर्सेज के बैचेज हैं वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो कि है 9 मंथ्स का,
यहाँ पर आपको चार प्रोजेक्ट सिखाएंगे। इसके अलावा डेटा साइंस मास्टर्स, जहाँ पर ये भी 9 मंथ का है, और यहाँ पर आपको चार प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे। और यहाँ पर जावा विद DSA सिस्टम डिजाइन आएंगे। और यहाँ पर जो भी इनकी स्टार्टिंग डेट्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई, आप स्क्रीन पर जरूर चेकआउट कर सकते हो। और ये सारे लाजवाब फीचर्स आपको सिर्फ 3000 रुपीज में मिल सकते हैं, और सिर्फ 2 जून तक, जो कि इनका ऑफर चल रहा है। अगर इसके अलावा एडिशनल आपको 500 का डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पर स्क्रीन पे एक कूपन कोड आ रहा होगा, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार ज्यादा ना करते हुए आप जरूर PW स्किल्स को चेक करो। ऑल द रेलेवेंट लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेकआउट। नहीं ना, तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी आज इस वीडियो में बताएंगे, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि व्हाट आर वी मिसिंग एग्जैक्टली। यार अब आप सोचोगे कि यार हमने इतनी मेहनत करी, वही पूरा जो भी चैनल चल रहा था वो फॉलो करने दो, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हम क्या मिस कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, लेकिन विद टाइम जो लोग चेंज नहीं होंगे, टाइम उन्हें पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पर विद टाइम जो आपके अंदर चेंज लाना चाहिए वो आपको कि चूज वन रेलिवेंट फील्ड इन कॉलेज, मतलब कॉलेज के अंदर एक रेलिवेंट फील्ड आपको चूज करनी ही होगी। कि आप डेटा एनालिटिक्स चूज कर सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI। यहाँ पर जो हमने और एक और चीज इंपॉर्टेंट मिस कर दी वो है चूजिंग राइट पाथ। चूजिंग राइट पाथ यानी कि आपने एक फील्ड चूज कर ली, लेकिन उस पाथ के ऊपर अब आपको चलना कैसे उस फील्ड को लेके। आप कर सकते हो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटर्नशिप्स आप ढूंढनी चाहिए थी आपको, हैकाथॉन्स आपको करने चाहिए, और कुछ ऐसे पाथ्स जो कि नॉर्मल से हटके वो आप अपने दिमाग में कुछ आइडिया ला सकते हो, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर चीजें डेवलप करके। जो चीजें हम मिस कर रहे थे ये कुछ चीजें इंक्लूडेड यहाँ पर है, जो कि मैंने आपको अभी उनमें से बहुत कुछ चीजें बताई। अब यहाँ पर आपको पता तो लग गया कि आपको रिसेशन आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पर अब जब आप MCA कर रहे होगे तो मेन थ्रेट आपका क्या है आपकी जॉब को? मेन थ्रेट आपका है आपसे ही कुछ और यंगर लोग और यंगर स्टूडेंट्स। तो यंगर स्टूडेंट्स आपके लिए क्यों थ्रेट है? क्योंकि अब विद टाइम जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जैसे एडवांसमेंट आई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हो कि कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा ही बूम हो चुका है। और आप सोचोगे कि यार ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया? तो यार ये सब इतनी जल्दी नहीं हुआ, बहुत टाइम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया जा रहा था, और जब एक फाइनल प्रोडक्ट निकला तो उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकल के आए जो कि मार्केट में आए और सबको उन्होंने हिला दिया, लाइक मिड जर्नी, ChatGPT एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ पहले से मार्केट में बूम कर रही है और आपको नहीं पता, यहाँ आज की इस वीडियो के थ्रू आपके तक मैं पहुँचाना चाहूँगा, जो कि है यंगर स्टूडेंट्स जो कि कोडिंग बहुत जल्दी सीखने लग गए हैं, और वो है YouTube के थ्रू। यानी कि आपने देखा होगा 18 ईयर की कोडर हो चुकी है, 14 ईयर का मशीन लर्निंग इंजीनियर हो चुका है, 19 ईयर के बहुत सारे बंदे एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं इन कोडिंग फील्ड। और अब आप देख रहे होंगे, मैंने बहुत सारे रिसेंटली कुछ मीटिंग्स में भी देखे अलग अलग स्टार्टअप्स की, जहाँ पर गेम डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर विदाउट एनी डिग्री, दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू यूट्यूब, वो अलग अलग स्टार्टअप्स में हाई पेइंग जॉब्स ले रहे हैं। मतलब जो चीज़ आप 23, 24, 25 तक सोचोगे कि आप अब जाके स्टार्ट होते हो, फिर आप वहाँ उस कंपनी में चीज़ें सीखते हो, उसे अप्लाई करते हो, वो लोग पहले से ही इतना कुछ सीख के आएंगे और फिर आपके बॉस भी बन सकते हैं आगे जाके। जैसे कि टाइम अभी आपने देखा कि AI बूम हो रहा है, वैसे ये चीज़ भी बहुत जल्दी बूम होने वाली है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और मैं देख भी रहा हूँ कि गेम डेवलपर, यूनिटी डेवलपर्स बहुत जल्दी यंग स्टूडेंट्स हो चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कोडिंग अब आगे आने वाले टाइम में 6-7 से पाइथन लैंग्वेज बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, तो जो लोग अर्ली इस चीज़ को जल्दी जल्दी सीख लेंगे वो बहुत जल्दी डेवलपर बनेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब एक सोचने वाला पॉइंट हो सकता है कि आपको अब अपनी स्किल सेट के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, आपको बाकियों से हट के रास्ता चूज़ करना है रैदर देन डूइंग MCA। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत से किसी अच्छे MCA कॉलेज में जाओ और उसके बाद जाके आपको पता लगे कि यार रिसेशन आ गया, अब तो आपको कम जॉब में या फिर आपकी कॉलेज में कम कंपनीज आएंगी और आपको उसी हिसाब से फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप किसी और अच्छी कंपनी ढूंढो। इससे बेटर आप BCA के बाद ही अच्छी कंपनी ढूंढ सकते थे। तो आई होप यार आज की वीडियो एक अच्छा सा मैसेज आप सभी तक गया होगा कि किस तरीके से MCA आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी,
आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा कि आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी जर्नी, कोडिंग जर्नी, जो भी यार डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी कोडिंग जर्नी, और अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो उसको भी आप किस तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई होप यार आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी तो डू गिव इट अ सब्सक्राइब, और आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी और लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।